श्री राम दर्शन के लिए अयोध्या रवाना हुए 1340 श्रद्धालु, भाजपा नेताओं और रेल अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। जी हां, भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर में विराजते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग स्थानों से अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसी ही एक राम भक्तों की टोली मध्य प्रदेश के कटनी जिले से रवाना हुई, जिसमें 1340 महिलाएं और पुरुष शामिल है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशुतोष शुक्ला ने बताया कि आज कटनी से भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन कटनी मुड़वारा स्टेशन से रवाना हुई है, जिसमें कटनी जिले के चारों विधानसभा से 1340 महिला पुरुष शामिल होकर निकले हैं, जो 18 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। वहां प्रसाद रूपी भोजन से लेकर रुकने की व्यवस्था IRCTC की रहेगी। इसके बाद सभी बस से राम मंदिर में पहुंचकर भगवान के दिव्य दर्शन करेंगे और 19 तारीख को ट्रेन में बैठकर पुनः कटनी लौटेंगे। आपको बता दें, इस पूरी यात्रा के प्रभारी कटनी बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रणवीर कर्ण रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इन्हें तमाम प्रकार का कार्यभार सौंपा गया है। रणवीर कर्ण ने सुरक्षा के मद्देनजर बताया कि जिस किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो, वो अपने साथ दवाइयां और गर्म कपड़े रखे, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो और सभी भगवान श्री राम दिव्य दर्शन कर सके। वहीं अयोध्या जाकर भगवान श्री राम दर्शन के लिए लोगों में एक अलग ही प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल बताई जा रही है। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कटनी से आज अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रेलवे के द्वारा उपलब्ध कराई गई। 22 डिब्बों की यह ट्रेन आज रात 11:30 बजे चल के कटनी से 1340 यात्रियों को कल अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन कराएगी और फिर 20 तारीख को इस ट्रेन की वापसी होगी कटनी के लिए। सौभाग्य का विषय है कि 22 डिब्बों की पूरी ट्रेन कटनी जिले को उपलब्ध कराई गई है और ये हमारा सौभाग्य है कि रेलवे ने कटनी के यात्रियों के लिए इस ट्रेन को उपलब्ध कराया। ये इसमें किस किस तरह की सुविधाएँ ट्रेन में संपूर्ण सुविधाएँ हैं। ट्रेन में जो वातानुकूलित में सुविधाएँ दी जाती हैं, वैसी सुविधाएं हैं, कंबल, चद्दर, खाने पीने की व्यवस्था और सुरक्षा के कारणों को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बोगियों में सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है, अटेंडेंट भी तैनात किए गए, ताकि यात्रियों को, भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ये जो यात्रा है कब समाप्त होगी, कितने दिन वापस? ये 20 तारीख को सुबह कटनी पहुँचेगी, 19 की शाम को 9:45 बजे अयोध्या से चलेगी। सुबह 7:10 पे 20 तारीख को कटनी पहुँचेगी। भैया, कटनी मुरवारा से अयोध्या जाने के लिए जो है आस्था स्पेशल ट्रेन जो है कटनी मुरवारा से 11:30 बजे आज रात में निकलेगी। सुरक्षा की दृष्टि जो है पूरे ट्रेन की जो है जांच की गई है और उसके बाद ही यात्रियों को बैठने के लिए बोला गया है और यात्रियों की सुविधा के लिए जो है हर कोच में जो है क्लीनिंग के लिए स्टाफ जा रहा है और पूरी ट्रेन के लिए एक जो है मेडिकल स्टाफ भी जा रहा है और इस ट्रेन को जो है एस्कॉर्टिंग करने के लिए आरपीएफ स्टाफ भी इसके ट्रेन के साथ जाएंगे। पूरी ट्रेन जो है 22 कोच की ट्रेन है, इसमें करीब जो है 1300 के आसपास लोग जा रहे हैं। सुरक्षा के लेकर के इसके एस्कॉर्टिंग के लिए जो है ट्रेन के लिए आरपीएफ स्टाफ जा रहे हैं और सिविल पुलिस को भी इसके बारे में सूचना दी गई है और वो भी जो है इस पे जो है अपनी जो है नज़र रखे रहे। नहीं, ये यात्रा के लिए जो है बुकिंग कराई गई है और वो बुकिंग जिसने कराई है उसके थ्रू पेमेंट हुआ है। ये निशुल्क नहीं है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।